नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड महामारी के बावजूद उनकी सरकार ने जनहित का ध्यान रखते हुए बजट में आम लोगों पर कोई नया कर नहीं लगाया है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण का दूसरा चरण 6 फरवरी से शुरू होगा। अब तक 2 लाख से अधिक फ्रंटलाइन वर्कर ने पंजीकरण कराया। मौसम विभाग ने कल और परसों राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया। और प्रसिद्ध संगीतज्ञ पंडित भीमसेन जोशी का जन्म शताब्दी समारोह आज से शुरू। बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ, कोविड 19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड 19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि कोविड महामारी के बावजूद उनकी सरकार ने बजट में आम लोगों का पूरा ध्यान रखा है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आजादी के आंदोलन की प्रमुख घटना चौरी चौरा के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि कई विशेषज्ञों का मानना था कि सरकार कोविड महामारी के दौर में हुए नुकसान की भरपाई के लिए नागरिकों के कर में बढ़ोतरी करेगी, लेकिन हाल के बजट में एक भी नया कर नहीं लगाया गया है। बजट के पहले कई दिग्गज ये कह रहे थे कि देश ने इतने बड़े संकट का सामना किया है, इसलिए सरकार को टैक्स बढ़ाना ही पड़ेगा, देश के आम नागरिक पर बोझ डालना ही होगा, नए नए कर लगाने ही पड़ेंगे। लेकिन इस बजट में देशवासियों पर कोई बोझ नहीं बढ़ाया गया, बल्कि देश को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने ज्यादा से ज्यादा खर्च करने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड टीकाकरण के जरिए भारत ने देशवासियों को ही नहीं बल्कि वैश्विक मानव जगत को सुरक्षित करने का काम किया है। साथियों, सामूहिकता के जिस शक्ति ने गुलामी की बेड़ियों को तोड़ा था, वही शक्ति भारत को दुनिया की बड़ी ताकत भी बनाएगी। सामूहिकता की यही शक्ति आत्मनिर्भर भारत अभियान का मूलभूत आधार है। इस देश को 130 करोड़ देशवासियों के लिए भी आत्मनिर्भर बना रहे हैं और आज भारत खुद कोरोना की वैक्सीन बना रहा है, दुनिया के बड़े बड़े देशों से भी तेज गति से टीकाकरण कर रहा है। जब भारत मानव जीवन की रक्षा को ध्यान में रखते हुए दुनिया भर को वैक्सीन पहुंचा रहा है, दे रहा है, तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को जहां भी उनकी आत्मा होगी जरूर गर्व महसूस होता होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी की वजह से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद हमारे कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ है और किसानों ने उत्पादन का नया कीर्तिमान बनाया है। हमारे देश की प्रगति का सबसे बड़ा आधार हमारा किसान भी रहा है। चौरी चौरा के संग्राम में तो किसानों की बहुत बड़ी भूमिका थी। किसान आगे बढ़ेंगे, आत्मनिर्भर बने, इसके लिए पिछले 6 सालों में किसानों के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। इसका परिणाम देश ने कोरोना काल में देखा भी है। महामारी की चुनौतियों के बीच भी हमारा कृषि क्षेत्र मजबूती से आगे बढ़ा और किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन करके दिखाया। हमारा किसान अगर और सशक्त होगा तो कृषि क्षेत्र में ये प्रगति और तेज होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि ये घटना विदेशी शासन के दौरान पुलिस थानों को आग लगाए जाने की अकेली घटना नहीं थी, बल्कि ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनता के आक्रोश की सामूहिक अभिव्यक्ति थी। देश अपनी आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, उस समय ऐसे समारोह का होना इसे और भी प्रासंगिक बना देता है। साथियों, चौरी चौरा देश के सामान्य मानवी का स्वतः स्फूर्त संग्राम था। ये दुर्भाग्य है कि चौरी चौरा के शहीदों के
जितनी चर्चा होनी थी बहुत अधिक चर्चा नहीं हो पाई। इस संग्राम के शहीदों को, क्रांतिकारियों को इतिहास के पन्नों में भले ही प्रमुखता से जगह न दी गई हो, लेकिन आजादी के लिए उनका खून देश की माटी में जरूर मिला हुआ है। चौरी चौरा कांड के शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में वर्ष भर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट। चौरी चौरा घटना 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश इंडिया के संयुक्त प्रांत में हुई थी, जिसे अब उत्तर प्रदेश कहा जाता है। गोरखपुर जिले का चौरी चौरा नामक स्थान तब सुर्खियों में आया जब ब्रिटिश पुलिस आंदोलनकारियों पर अत्याचार किए। इसके विरोध में हिंसक झड़पें हुई और खिलाफत आंदोलन तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ता इस दिन स्थानीय पुलिस से भिड़ गए। इसके जवाब में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाने पर हमला किया और थाने की इमारत में आग लगा दी, जिससे उसके अंदर मौजूद सभी लोग मारे गए। इस घटना में 3 नागरिकों और 23 पुलिसकर्मी मौत हो गई थी। महात्मा गांधी हिंसा का कड़ा विरोध करते थे, इसलिए उन्होंने इस घटना के बाद 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे अपने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दी। प्रदेश में कोविड टीकाकरण का दूसरा चरण 6 फरवरी से शुरू होगा। इसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके दिए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने आज इसकी घोषणा की। श्री पांडेय ने कहा कि दूसरे चरण के लिए अब तक 2 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया है। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण के लिए पर्याप्त संख्या में कोविड के टीके उपलब्ध हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स में पुलिस, सेना, सैन्य बल, होमगार्ड, कारा विभाग, आपदा प्रबंधन, राजस्व विभाग और नगर निकाय के सफाई कर्मी शामिल हैं। इसके अलावा सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों को भी टीका दिया जाएगा। इधर राज्य में अब तक 2,62,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। राज्य में 16 जनवरी से कोविड टीकाकरण अभियान की शुरूआत हुई थी। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोविड टीकाकरण के मामले में बिहार देश में 8वें स्थान पर पहुंच गया है। अभी तक टीकाकरण के बाद किसी भी लाभार्थी में विपरीत प्रभाव नहीं देखे गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रवीण सिन्हा को सीबीआई का अंतरिम निदेशक नियुक्त किया गया है। वर्ष 1988 बैच के गुजरात काडर के पुलिस अधिकारी श्री सिन्हा बिहार के रहने वाले हैं। मौसम विभाग ने कल और परसों प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम वैज्ञानिक दिनेश कुमार भारती ने बताया कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बन रहे प्रति चक्रवात के कारण बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड से गुजरता हुआ एक ट्रफ लाइन पूर्व की ओर बढ़ रहा है तथा बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवा का भंडारण दक्षिण बिहार एवं प्रदेश के अन्य भागों पर हो रहा है, जिनके परिणाम स्वरूप 5 फरवरी एवं 6 फरवरी को बिहार के एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना है। इधर प्रदेश भर के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने से लोगों को ठंड से राहत मिली है। राज्य में आज अधिकांश हिस्सों में धूप खिली रहने के कारण ठंड से राहत रही। गया आज राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शेखपुरा का न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पटना का न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि भागलपुर का न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बिहार विधानसभा का शताब्दी समारोह 7 फरवरी से शुरू होगा। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि समारोह का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। श्री सिन्हा ने कहा कि इसके तहत साल भर चलने वाले कार्यक्रमों में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भाग लेंगे। 7 फरवरी को उद्घाटन समारोह की शुरूआत लोकतंत्र में विधायकों की भूमिका पर प्रबोधन कार्यक्रम से होगी। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी भी अपने अपने विचार रखेंगे। वहीं दूसरे सत्र में लोक महत्व के मामले को सदन में उठाने की प्रक्रिया, विधायी शक्तियां और दायित्व विषय पर चर्चा का आयोजन होगा। कार्यक्रम को केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी संबोधित करेंगे। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामजतन सिन्हा ने इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रूपेश सिंह हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। श्री सिन्हा के अलावा कई पूर्व मंत्रियों और विधायकों ने आज राज्यपाल फागू चौहान से मिलकर इस सिलसिले में ज्ञापन सौंपा। इधर दिवंगत मैनेजर की पत्नी ने भी हत्याकांड में पुलिस के खुलासे को लीपापोती का प्रयास बताया है और सीबीआई से इसकी जांच कराने की मांग की है।
गौरतलब है कि पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक ने कल कहा था कि सड़क पर विवाद और हाथापाई के बाद बदले की भावना को लेकर रूपेश सिंह की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार करने का दावा किया है। महान संगीतज्ञ पंडित भीमसेन जोशी की जन्म शताब्दी के अवसर पर चलने वाले समारोह आज से शुरू हो गए हैं। उनका जन्म आज ही के दिन 1922 में कर्नाटक में हुआ था। विभिन्न पद्म पुरस्कारों के साथ साथ उन्हें 2009 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित भीमसेन जोशी को उनकी जन्म शती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने कहा कि देश विदेश में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का फिल्म प्रभाग महान संगीतज्ञ के जीवन और संगीत पर बनी फिल्म अपनी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर प्रदर्शित करेगा। प्रसिद्ध गीतकार और फिल्मकार गुलजार ने पंडित भीमसेन जोशी पर 73 मिनट के वृत्त चित्र का निर्देशन किया है। इसमें गुलजार ने किराना घराने के इस महान गायक की संगीतमय यात्रा को दिखाया है। सुर और लय के सम्राट पंडित भीमसेन जोशी के गाये भक्ति गीत अजर अमर हैं। अति दुर्लभ मनुजा देह सहज जी में पाई, मूर्ख रजो राम भूल, मूर्ख रजो राम भूल, मूर्ख रजो राम भूल, विषय न मन लागी राम भजो। पंडित भीमसेन जोशी के पुत्र जयंत जोशी ने अपने पिता के बारे में कहा कि उनमें अद्भुत ऊर्जा थी। पिताजी गाने में ही रहते थे, लोगों को गाना सुनाने में उन्हें बहुत आनंद मिलता था। एक सुपर ह्यूमन सी एनर्जी थी उनमें। 1970 के दशक की बात है, मैं उनके साथ कलकत्ता गया हुआ था। दोपहर में हम कलकत्ता एयरपोर्ट उतरे, कलकत्ते में शाम जल्दी होती है 4 बजे के करीब। वहाँ एक ही समय अलग अलग जगहों पर म्यूजिक कॉन्फ्रेंसेस होती थी। सब जगह संगीत प्रेमियों की भारी भीड़ थी और सब जगह पिताजी के गाने ने सबको खुश कर दिया। सुबह की फ्लाइट से हम बम्बई वापस आ गए, शाम को रविन्द्र नाट्य मंदिर में 4 घंटे बड़ी तबीयत से गाना गाया। जब भैरवी गाकर वो उठे तब ऑडिटोरियम में शांति थी और लोगों के साथ मेरे भी आंखों में आंसू थे। बक्सर थर्मल पावर प्लांट से उत्पादित होने वाली बिजली में से बिहार को 85% बिजली उपलब्ध होगी। इस संबंध में राज्य सरकार और केंद्र के उपक्रम सतलज जल विद्युत निगम के बीच सहमति बन गई है। गौरतलब है कि बक्सर में 660 मेगावाट क्षमता के 2 पावर प्लांट लगाए जाने वाले हैं। नालंदा जिले में मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में विद्यार्थियों को नहीं शामिल करने पर एससीईआरटी ने 357 मध्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कटिहार जिले के फलका में पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह के 5 अपराधियों को कई चोरी की मोटरसाइकिलों के साथ गिरफ्तार किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड महामारी के बावजूद उनकी सरकार ने जनहित का ध्यान रखते हुए बजट में आम लोगों पर कोई नया कर नहीं लगाया है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण का दूसरा चरण 6 फरवरी से शुरू होगा। अब तक 2 लाख से अधिक फ्रंट लाइन वर्कर ने पंजीकरण कराया। मौसम विभाग ने कल और परसों राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया। और प्रसिद्ध संगीतज्ञ पंडित भीमसेन जोशी का जन्म शताब्दी समारोह आज से शुरू। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड 19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।